इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, इतना बड़का झूठा पार्टी है कि भाई हद है। ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है बस एजेंडा बनाना है, उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट, जो करना हो मार्केटिंग ये लोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो MP हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर जवाब दिया, जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे, MOS जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को, आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया, और जो कि भाजपा के सारण जिले में जिस तरीके से 40 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को सदन में उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है इस सवाल का। जो सवाल लगातार विजय सिन्हा कर रहे थे उसका जवाब डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने आंकड़े के साथ दिया है। जब पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा गया कि जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई है और कितना मौत जो है का आंकड़ा कहां कहां है, इसकी जानकारी जो है वो खुद MOS जो है बिहार के नित्यानंद राय ने इस बात की जानकारी दी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि किस जगह में, कौन सी स्टेट में कितने लोगों की मौत हुई है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो है जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि और जो मौत हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गृह, जहां से वो गृह मंत्री कहे जाते हैं, वहां भी सबसे ज़्यादा जो मौत हुई है वो जहरीली शराब से हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन बाकी जो स्टेट है वहाँ पर तो शराब चालू है, जो कि भाजपा शासित राज्य है, उसके बावजूद भी इतने लोगों की मौत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आंकड़े को देखने के बाद क्या वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा मांगेंगे भाजपा वाले लोग, क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, सुनवाते हैं इस बयान। देखिए, छोटा सत्र है और नई सरकार बनी है, तो एक आप कह सकते हैं ट्रस्ट वोट के बाद ये पहला ऐसा सत्र है जब विधानसभा सत्र पूर्ण रूप से चल रहा है, जहां मंत्रिमंडल भी बन चुका है, मंत्रियों को जवाब देना है। हम लोगों की चिंता और हम लोगों का काम जो है पूरी तरीके से बिहार के लोगों के सवाल को एड्रेस करना और उसके समस्याओं को निदान करने का है। और ये 4-5 दिन का जो सत्र था, उम्मीद थी कि भाजपा के लोग जो हैं सत्र को चलने देंगे और नियमानुसार जो है वो कार्रवाई होती रहेगी, वो सवाल पूछ सकते थे, हम जवाब देते। अब तो हम सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमारा काम है जवाब देना, तो भाजपा के लोग सवाल तो पूछ रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल गए, जिस शराब कांड जो छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था, आज केवल ड्रामा कर रहे थे। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हो करके, जब सत्र चल रहा हो सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना, ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के, और इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, इतना बड़का झूठा पार्टी है
कि भाई हद है, ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है बस एजेंडा बनाना है, उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट जो करना हो, मार्केटिंग ये लोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर जवाब दिया, जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे एमओएस जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को, आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया, और जो कि भाजपा के हैं। तो आप देखिएगा, जब इनसे सवाल पूछा गया कि वेदर सेवरल पीपल हैव रिपोर्टेडली डाइड ड्यू टू कंजप्शन ऑफ स्पूरियस एंड पॉइजनस लीकर इन द कंट्री, इफ सो द नंबर ऑफ पर्सन डाइड एंड अक्यूज्ड अरेस्टेड फॉर द सेल ऑफ सच लीकर सेपरेटली, तो स्पष्ट है कि जहरीली शराब से जो दानिश अली जो एमपी हैं, उन्होंने आंकड़े मांगे कि देश भर में कितने लोग जो हैं, किन किन राज्यों में कितने लोग मरे, और जो इस तरह का लीकर जो बेच रहे हैं, गलत व्यवस्था करा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई की गई, कितने लोग अरेस्ट हुए। तो आपको हम आंकड़ा उसी के साथ, जवाब के साथ नित्यानंद राय जी ने जवाब दिया, गंभीरता से सुनिएगा। एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय NCRB स्टेट या यूटी वाइज, स्टेट यूटी वाइज, डिटेल्स ऑफ डेथ रिपोर्टेड ड्यू टू कंजप्शन ऑफ इलिसिट स्पिरिट्स लिकर ड्यूरिंग 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020, यानी 4 सालों का नित्यानंद राय जी ने, जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उन्होंने एनेक्शर लगाया और स्टेट वाइज उन्हीं के मंत्री द्वारा दिया गया, तारी छाती पर टांग ले, समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे, जिम्मेवारी पीने वालों की है, तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा, स्पष्ट। अरे आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब। अरे भय का माहौल है, लगता है कि हाउ सब चलना चाहिए, कुछ जन समस्या। हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग सब लोग बैठे। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होगी क्या, इस पे लगता है समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं नहीं, आपके ही पार्टी के सुधाकर सिंह हैं, अजय शर्मा, ये आप लोगों की इच्छा। और लेट्स डिस्कस ऑन द फूड भैया, किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक तो था ही ना भाई, तब रखा था। बाहर कौन क्या बोलता है, किस परिस्थिति में बोलता है, उससे क्या लेना देना, असली तो सदन के अंदर ना होता है, जो सदन के अंदर तो सब लोग अधिकारी होंगे, वो जिम्मेदार होंगे। आप लोग अब भटक रहे हैं, आप लोग अब सवाल से भटक रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग व्हाट बीजेपी इज क्लेम, आई एम हियर टू आंसर व्हाट बीजेपी इज क्लेमिंग, है ना। कल ADG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आंकड़े बताए, क्या कार्रवाई की गई, नहीं की गई है, देयर इज अकाउंटेबिलिटी, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइटिंग यू गाइस एंड गिविंग द डेटा एंड व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज क्लियर। आपको लगता है कि इस्तीफे की और कड़ा करने की जरूरत नहीं, इस्तीफे की जो बात हो रही है तेजस्वी जी, जिस तरह से शराब और शराब की जो खेप है उसमें और कड़ाई की जरूरत। हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूकता फैलाएं, आप लोग का अलग पीछे हटते हैं भाई, ये सबकी ना जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो आप लोग तो कुछ बोल भी नहीं करते हैं, आप लोग जो बड़का झूठा पार्टी बोलता है उसी का जो है हेडलाइन चलाने लगते हैं। उन लोगों से भी तो क्वेश्चन कीजिए ना, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, विपक्ष की क्या अकाउंटेबिलिटी है, व्हेन दे वर इन द गवर्नमेंट व्हाई दे वर नॉट व्हाट दे वर डूइंग, भाजपा के कुछ एंड बीजेपी के पीपल, जहां देखिए माफ कीजिएगा,
बिहार में शराबबंदी है और राज्यों में नहीं है, यानी और राज्यों में और शराब मिल रही है, सामने देखे बोले सही शराब मिल रहा है, लेकिन वहाँ गलत शराब कैसे पकड़ा जा रहा है? फिर जहरीली शराब से क्यों मौतें हो रही है? फिर नहीं, ये इसका कौन जवाब देगा? यहाँ तो बिहार में बंद है ना शराब, चले जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, लेकिन जहाँ शराब मिल रही है वहाँ अगर जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो उसका दोषी आप किसको ठहराइएगा? मेरा पहले इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर हम बोलते। यहाँ भी कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, प्रस्ताव दे रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं तो कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि यहाँ भी शुरू कर देना चाहिए। कौन क्या कहता है नहीं कहता है ना, उन लोग का तो सब कुछ तो हाईकमांड ही देखता है ना। अब तो ऐसे ऐसे लोगों को नेता विरोधी दल बना दिया गया है, अब क्या कहना।